बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद भड़की हिंसा, प्रदर्शनकारियों ने जमकर काटा बवाल, तबाही की तस्वीरें डरा देंगी। बांग्लादेश में तख्ता पलट और शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में भयंकर तबाही मची। प्रदर्शनकारियों ने पूरे देश में जमकर बवाल काटा, इमारतों में आग लगा दी, हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया, मंदिरों को आग के हवाले कर दिया गया। बांग्लादेश में मचे इस बवाल में कई लोगों तक की जान भी चली गई। प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन के नाम पर पूरे बांग्लादेश में भयंकर हंगामा काटा, लूटपाट की और सीधे सीधे हिंदुओं को निशाना बनाया गया। हालांकि बांग्लादेश में अब नई सरकार बन चुकी है, जिसके बाद हालात थोड़े बदले हुए नजर भी आ रहे हैं, लेकिन तबाही की जो तस्वीरें सामने आई हैं उन्हें देखने के बाद हर कोई हैरान है। तबाही के बाद जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदर्शन के नाम पर बांग्लादेश को कैसे जलाया गया, कैसे सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया, कैसे वाहनों को तबाह कर दिया गया। ढाका से तबाही की जो तस्वीरें सामने आई वो हकीकत में काफी भयानक है। वो इस बात को बयां कर रही हैं कि प्रदर्शनकारी किस हद तक जा चुके थे, किस तरह से वो अपने ही देश को आग लगा रहे थे। ढाका में बने सेतु भवन पर प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की, आगजनी की, सड़कों पर खड़े सरकारी वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया, सरकारी भवनों में आग लगा दी गई, जबरन दफ्तरों में घुसकर तोड़फोड़ की गई, सड़कों पर खड़ी महंगी महंगी कारों में आग लगाई जो जलकर अब खाक हो चुकी हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन के नाम पर तांडव मचाया। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस वक्त बांग्लादेश में प्रदर्शन चल रहे थे उस समय पूरा बांग्लादेश प्रदर्शनकारियों की कैद में था। हर तरफ प्रदर्शनकारी बवाल काट रहे थे। जो भी प्रदर्शनकारियों के सामने आया उसे बर्बाद कर दिया गया, उसे आग के हवाले कर दिया गया, सब कुछ तबाह हो गया। बता दें आपको, बांग्लादेश में तख्ता पलटने के बाद जमकर हंगामा हुआ था, बल्कि शेख हसीना ने जैसे इस्तीफा दिया और भारत आकर छिप गई तो बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी पीएम आवास में घुस गए, जहां लूटपाट की गई, जिसकी तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई। तो इसी बीच कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आई जिसने बांग्लादेश को शर्मसार कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने उन तस्वीरों को भी नहीं बख्शा जो बांग्लादेश की आजादी की निशानी थी, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने हद कर दी, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने इसके बाद हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया, मंदिरों को तोड़ दिया, जमकर बवाल काटा, हिंदुओं के साथ मारपीट की गई, बल्कि महिलाओं को भी निपक्षा गया। हालांकि बांग्लादेश में जिस तरह की तस्वीरें अब सामने आई हैं उसके बाद भारत सरकार भी अब सतर्क है, बल्कि भारत सरकार हिंदुओं को बचाने के लिए तमाम तरह के विकल्प खोज रही है। इसी बीच एक तस्वीर ऐसी भी आई जब बांग्लादेशी हिंदू भारत में जबरन घुसने की कोशिश में लगे हुए थे, हालांकि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ ने इन लोगों को रोक दिया। हालांकि इन लोगों को किस तरह से सेफ जोन में ले जाया जाए इस पर भी भारत सरकार अब काम कर रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।